डिजाइन जैसे थे। कर पार्टी पीछे मुड़। शिक्षक एक समाज का निर्माता होता है। हम निश्चित तौर पर अपने सभी शिक्षकों से निवेदन करेंगे कि आप तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें जिलाधिकारी महोदय का, और मैं जिलाधिकारी महोदय को अपने छोटी का स्थान पर अशोक सिंह जी द्वारा बैठाया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान की रैली है दंपति, जिसमें आए हुए जनपद सोनभद्र के हमारे कर्मठ सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, भोरावल विधानसभा के सम्मानित माननीय विधायक जी श्री मौर्य जी, डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब, जनपद सोनभद्र के विधायक साहब, भाजपा के कर्मठ धर्मशील जिलाध्यक्ष अग्रज त्रिमित्र जी, डीसी आगम साहब, राष्ट्र पुरस्कार विजेता ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, और अग्रज की महासभा में मेरा मार्गदर्शन करने वाले डीडीओ साहब अग्रज सिंह त्रिपाठी जी, उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ भूषण जी और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह, मीडिया के सम्मानित बंधुओं, मेरे सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाओं, बीटीसी के सम्मानित प्रशिक्षुओं, बेसिक शिक्षा परिषद के प्यारे बच्चों और माध्यमिक के प्यारे सम्मानित विद्यार्थियों, स्कूल के अभियान एक आगाज है। सर, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए तुरंत स्टार्ट करना चाहूँगा। जो इनिशिएटिव लिया गया है पहले, तो हम ये कार्यक्रम रखेंगे सर कि कुछ अध्यापक जो हमारे बेहतर स्कूल चलो अभियान की रैली है दंपति, जिसमें आए हुए जनपद सोनभद्र के हमारे कर्मठ सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, भोरावल विधानसभा के सम्मानित माननीय विधायक जी श्री मौर्य जी, डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब, जनपद सोनभद्र के विधायक साहब, भाजपा के कर्मठ धर्मशील जिलाध्यक्ष अग्रज त्रिमित्र जी, डीसी आगम साहब, राष्ट्र पुरस्कार विजेता ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, और अग्रज की महासभा में मेरा मार्गदर्शन करने वाले डीडीओ साहब अग्रज सिंह त्रिपाठी जी, उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ भूषण जी और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह, मीडिया के सम्मानित बंधुओं, मेरे सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाओं, बीटीसी के सम्मानित प्रशिक्षुओं, बेसिक शिक्षा परिषद के प्यारे बच्चों और माध्यमिक के प्यारे सम्मानित विद्यार्थियों, स्कूल के अभियान एक आगाज है। सर, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए तुरंत स्टार्ट करना चाहूँगा। जो इनिशिएटिव लिया गया है पहले, तो हम ये कार्यक्रम रखेंगे सर कि कुछ अध्यापक जो हमारे बेहतर करें उनका नामोल्लेख करूं, और आप जिलाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी और जिलाधिकारी महोदय, आपके कार्यक्रमों से उनको वो प्रमाण पत्र दिया जाए। मैं डीसी और सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण करें। हमारे अतिथियों द्वारा छोटा सा सरस्वती के
चित्रपट माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन का वीडियो अभी अभी हमारे बीच सांसद प्रतिनिधि को जाना है। अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी बच्चे इनका अभी प्रवेश करो, स्कूल जरूर जाओ, नियमित जाओ, समय से जाओ। अगर इतना थोड़ा सा प्रयास किया गया और इसके लिए थोड़ा परिश्रम किया गया तो जरूर तो मुझे योगी जी अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, किसी भी जिले में जाते हैं तो जरूर एक घंटे का प्राइमरी स्कूल के लिए समय निकालते हैं, उसका एक परिवर्तन आपको दिख रहा है। स्कूलों में संख्या, स्कूलों की व्यवस्था तो परिवर्तन हो रहा, सबके प्रति आभार धन्यवाद। शिक्षा विभाग लगातार पहले दिन से ही एक प्रयास कर रहा था, 25 तारीख से ही जो पूरी योजना के तहत जो सरकार की प्राथमिकता है, प्री प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग, उसके तहत एक स्कूलों में व्यापक परिवर्तन का जो एक प्रयास है उसमें सबका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पे पूरे जनपद से टीचर चल के आए हैं और वो भी गांव देहात से चलते। मेरा केवल एक निवेदन है कि अगर से स्कूल टाइम में ही एक घंटे का समय एक्स्ट्रा दे दें कि केवल आस पास पड़ोस के बच्चे जो जिनके माँ बाप नहीं आए, यहाँ तो बहुत से गार्जियन नहीं आए जिनके बच्चे पढ़ते वही केवल आए, ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं आए और वो आना चाहते हैं लेकिन वो झिझकते हैं। तो मेरा केवल एक निवेदन है जो भविष्य के निर्माता है हमारे टीचर, इनसे केवल एक निवेदन है कि आस पास पड़ोस के बच्चों को घर में जाकर उनसे प्रेरित करें स्कूल आने का। अपने आप जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं, अपने आप सब हो जाएगा। केवल हमारे जो भविष्य निर्माता लोग यहाँ आए हैं केवल एक पहल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक की सदन, माननीय विधायक की बोलावन, माननीय जिलाध्यक्ष यहाँ पर सबके दीदियों का, पीएसए का, विधायक का, विधायक भ्रष्टाचारी का, त्रिपाठी जी आए गए, अपना जिलाध्यक्ष का, यहाँ पे उपस्थित समस्त अधिकारी का, शिक्षक का एवं छात्र एवं छात्रा एवं पत्रकार, यहाँ सबका आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज स्कूल के जो अभियान की शुरुआत की गई है जनपद स्तर की रैली के द्वारा, इसके अलावा समस्त ग्राम पंचायतों में भी हर स्कूल पर रैली आज निकाली जा रही है। आज जागरूकता करने का ये प्रयास है, सभी लोग जागरूक हो और जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उसको स्कूल में भेजें, जो कहीं किसी स्कूल में नहीं जा रहे हैं उनका नामांकन कराए जाने का प्रयास है। आज के दिन सभी शिक्षक अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, हर घर जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे नामांकन जिनका नहीं हुआ है 6 से 14 वर्ष के उनका नामांकन कराया जाए। इसके अलावा जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनका प्रयास है कि आने वाली केंद्र में उनका नामांकन कराया जाए और इसको 100% नामांकन हमको रखी जाए। इसके अलावा हम लोग घर से घर जाके भी हाउसहोल्ड सर्वे भी कर रहे हैं और बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो बच्चे कहीं बाहर काम करते हैं या फिर किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी भी सूचना प्राप्त की जा रही है। उद्देश्य यही है कि हर बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का है वो कहीं ना कहीं विद्यालय में पढ़े, जो शिक्षा का अधिकार सरकार के द्वारा दिया गया है वो उसको प्राप्त हो। इसके अलावा यूनिफॉर्म का वितरण कराया जा रहा है, जूते पोते का वितरण, किताबों का वितरण, बैग का वितरण भी इसी महीने इसका प्रारंभ किया जा रहा है। तो मेरा आप शिक्षकों से अनुरोध है और जो यहाँ पे EBSE आए हैं, BSE साहब आए हैं, तो सभी सामग्री जो उपलब्ध कराई जाए वो गुणवत्तापूर्ण हो और राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाए और यह सब शीघ्र इसको उपलब्ध करा देंगे। और गर्मी के लिए बात ये तो इसी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम लोग रैली में चलेंगे।
वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। चलेगा हर बच्चा स्कूल चलेगा, बच्चे मांगे प्यार।
सम्मानित सदस्यगण, शिक्षा संघ के सम्मानित सदस्यगण, प्यारे बच्चों बच्चियों, प्रोफेसर प्रशिक्षुओं, मीडिया के सम्मानित बंधु, सभी लोगों को उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा साथ उदार। आज सम्मानित प्रिंसिपल साहब दायक रघुनाथ त्रिपाठी जी, सभी सम्मानित जन हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपना अमूल्य योगदान दिया। साथ ही पिरामल फाउंडेशन और यूनिसेफ के जो अनुसंधान लोग हैं, जो हमारे कैंपस फोन भर में हमारे नॉलेज पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं, सभी लोगों को ढेर सारा साधुवाद। आप सभी लोग नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ लगे रहे, नामांकन बढ़ाए, अधिकम स्तर बढ़ाए। हम लोगों ने नया इनिशिएटिव लिया है इस सत्र में, कम्युनिटी कोचिंग, जिसके नोडल सम्मानित अध्यापक श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी बनाए गए हैं और पिरामल फाउंडेशन उसके लिए उत्तरदायी हमारे नॉलेज पार्टनर के रूप में है। कम्युनिटी टीचिंग से बहुत फायदा होगा। स्कूलिंग टाइम के बाद अगर कुछ भी विद्या दान दे देंगे, समाज के सम्मानित रिटायर्ड लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कुछ भी विद्या दान देते हैं तो हमारे बच्चों का आजीवन स्तर भी सुधरेगा। हमारा सत्र इसी उत्साह के साथ और इसी संकल्प के साथ प्रारंभ होता है कि सत्र 19 देश में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे बच्चों को, अधिगम बढ़ाएंगे और अधिगम संवर्धन करके जनपद सोनभद्र को स्मार्ट से बाहर निकालेंगे। सभी आगंतुक जनों का ढेर सारा धन्यवाद। अब आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने विद्यालयों पर जाएंगे। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं कहना चाहूंगा कि देश यहाँ पर उपस्थित नेता से सभी बंधुओं का, जनपद के विभिन्न विद्यालय से आए हुए सम्मानित अध्यापक और अध्यापक बंधुओं एवं इस मैले में तैयार करने आए प्यारे बच्चों, हमारे भारत के सभी प्रशिक्षुओं, स्कूल के लिए रैली का शुभारंभ आज जनपद में हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 तारीख की बैठक में ही जो हमारे स्कूल पहले जो है वो बोलते थे साफ सुना है, तो उन्होंने 25 जोर से शुरुआत करके और इसका शुभारंभ करके और उन्हें आदेश दिया था कि आने वाले सत्र में जो नवयुवक है उनकी सत्र सब होगा, साथ में जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है वो हमारी अच्छी होगी। इसलिए आप जो हमारे छात्र हैं और जो अध्यापक हैं उनसे जहाँ यही निवेदन है कि जो भी छात्र इन्हीं कार्यों से अभी तक प्रवेश नहीं लिए हैं उनका प्रवेश लाए, उनके भावों को समझाएं, छात्रों को समझाएं कि वो प्रवेश लें और शिक्षा के महत्व को बताएं। मैं समझता हूँ कि इसमें वो निश्चित रूप से सफल होंगे और हमारा जो जनपद जो है जो पिछले जनपद में शामिल है देश के 115 में उसे निकल करके वो बाहर आएगा और इसमें हमारा जैसे कि जनवरी की रिपोर्ट थी उसमें वो देश के प्रथम स्थान में था। इसके लिए यहाँ के सभी छात्रों को छात्रों को मैं बधाई देता हूँ। हमारे डाइट के जो प्रशिक्षु आए हैं उनका भी अभी टीचिंग लगेगी और वैसे भी ये है कि हर एक छात्र कम से कम 2 बच्चों का प्रवेश उचित रूप से कराएगा करेंगे।